पानी पीने का तो मतलब ही नहीं है, जब पीने का पानी आता हो बस बिल भरो जाओ ना, बिल आ जाता है। हमारे जो फोन पा रहा बारिश का बिल आ रहा, पानी आते ही नहीं आता है, तो काला रंग का आता है, तो उससे कैसे नहाए कैसे धोए क्या करें। नाले का पानी 20 रुपए की बोतल आती है, वो पीने के लिए ले के नहाने के लिए ले। तगड़ी समस्या है जी, बहुत गंदा पानी आता है, बिल्कुल काला पानी आता है, पी पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसको पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, जैसे उस पानी में गटर का पानी मिक्स आता है। हमारा आ रहा 1200 रुपए का बिल आया है, 1200 का बिल। हाँ, पानी का और पानी बिल्कुल ऐसा आ रहा, कभी तो काला जा कभी पीला जा सुथरा। हाँ, गटर का नाले का अभी तक तो पानी से आई ना, जब से इसमें पानी वाटर आई है, यूँ लाइन गिरी है, जब से पानी पीने का आई ना जब से। हाँ, बिल किस चीज़ का भर कमाल है, बिल क्या करे, अब क्या करे जी, बस सुनवाई तो है ना, वहाँ मतलब मानते हैं ना, वे मानने थोड़ी है। अच्छा, जिनको समाधान करना है वो तो खुद अनशन पर बैठी हुई है, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार लेना। तो वो बैठी हुई, तो यहाँ तो कुछ है ही ना, हुई यहाँ तो कुछ करी ना रे, पीले जो अगर पीले का कम से कम आधी पब्लिक बीमार ना हो जा, सब घरों में आ रही है कैन, सबके कैन आ रही हैं। अच्छा, वो कैन खरीद के सब पूरी गली ना, पूरा यहाँ पूरा एरिया ही हमारा। हाँ, कहीं पीने का पीने का नहीं है कदम। 10 साल पहले जब ये पार्टी बनी थी तो इन्होंने तो कहा था ये आम लोगों की पार्टी है, हर एक आम जनता की सुनवाई होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देख रहा हूँ कि मतलब यहाँ तो है ना पानी पीने का, किसी से पूछो कहीं भी, यहाँ मतलब पानी का तो है ना कुछ नहीं है। हाँ, मतलब पानी पीने का तो मतलब भी नहीं है, जब पीने का पानी आता हो। हाँ, बस बिल भरो जाओ ना, बिल आ जाता है। हमारे जो फोन पा रहा 1200 रुपये का बिल आ रहा। ये तो देश भर में प्रचार कर रहे हैं, फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, बिजली पानी हमारे पब्लिक का भी मतलब की कोई फ्री बिजली पानी नहीं है। पानी वो भी मतलब वो भी पानी पीने का नहीं है, गटर का पानी है, और जब पी लोगे तो याद पीला होगा काला होगा ये ऐसा आ रहा भी नहीं सकते। अच्छी ना का एलर्जी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के दो 1000 रुपये फिर। हाँ, दिल्ली में आयुष्मान कार्ड भी लागू नहीं कर रखा, कुछ भी ना है यहाँ क्या कर रखा। क्या कहना चाहेंगे उनको जो खुद अनशन पर बैठी हुई हैं, आतिशी मार लेना, लोगों की समस्याएं सुलझानी चाहिए, क्या कहेंगे उनको? जी हम तो नहीं कहेंगे, सुलझानी तो चाहिए कम से कम जो बैठी हुई हैं। जब कुछ हो ही ना रहा तो फिर क्या फायदा, फिर भी दे रही है कि हरियाणा पानी नहीं भेज रहा, वो पानी नहीं भेज रहा। अब तो दूसरे पे तो डालेंगे, अब यहीं का जब पानी ना आ रहा, हरियाणा कहाँ करेगा जब यहीं का ना आ रहा। हाँ, अब तो जब डालेंगे जब है ही ना। आप भी यहीं के रहने वाले हैं समस्या? जी यहीं रहते हैं, इसी गली में रहते हैं, पानी आते ही नहीं आता है, तो काला रंग का आता है, तो उससे कैसे नहाए कैसे धोए क्या करें। काले रंग का कौन सा पानी? नाले का पानी घरों में यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, वही सप्लाई होता है यहाँ। अब एक बात बताओ, पानी आएगा किसी के घर में, समर नहीं है, नहाएगा काहे से? अब 20 रुपए की बोतल आती है, वो पीने के लिए ले के नहाने के लिए ले। अब किसी के घर में 7 जने हैं 8 जने हैं, वो नहाएगा तो एक बोतल 20 रुपए की खरीदेगा, कैसे क्या पिएगा क्या खाएगा, कितना पानी 20 लीटर पानी में कैसे नहाएगा कैसे धोएगा। काला पानी आता है, एलर्जी होती है, कभी कुछ होता है, उससे बीमारी भी बन रही है, उससे बिजली का बिल वो पानी का बिल भी जाता है, पानी का बिल आता है, मजबूरन चलाना पड़ता है ना इंसान को, करना पड़ता है कुछ ना कुछ पानी के लिए। वो निकालता है पानी, उसको कैसे भी करके पीता है, खाद उसका नहाना धोना करता है, कुछ तो करता ही है। फ्री पानी फ्री बिजली ये सब शिगुफा है, नहाने धोने का वो पानी वैसा हो गया, उसी गटर वाले पानी से नहाते धोते हैं पब्लिक, पीने के लिए बोतल खरीदती है। जिन जल मंत्री को समाधान करना है वो तो धरने पर बैठी हुई है, धरने पर बैठे ही रहेंगे, उनके बस की नहीं है कुछ भी। इससे बढ़िया छोड़ दें तो ही सही है, सरकार छोड़ लगा रहे हैं, बाकी आरोप तो लगाते ही रहेंगे, उनके बस की है ही नहीं कुछ। बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई है अब तो, उम्मीद कम होती जा रही है लोगों की यहाँ पर। जी आपका क्या नाम हुआ? राघवेंद्र जी यहीं रहते हैं, इसी गली में रहते हैं जी। तो यहाँ भी है पानी की समस्या? बहुत तगड़ी समस्या है जी, बहुत गंदा पानी आता है, बिल्कुल काला पानी आता है, पी पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसको शरीर खराब हो रहे हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी की समस्या तो बहुत है यहाँ पे। कई सालों से पानी की समस्या है, उसको बिल्कुल नहीं पी सकते आप, बिल्कुल काला पानी आता है जी, ऐसा लगता है पूरा गटर का ही पानी छोड़ दिया हो जैसे। थोड़ी वो तो हाथ भी नहीं नहा कुछ नहीं कर सकते जी, बिल्कुल वेस्ट है पानी, कई सालों से समस्या है पानी की यहाँ पे। कैसे जो है जीवन व्यापन कर रहे हैं भैया? पैसे से खरीद के लाते हैं पानी, वो पानी पीते हैं। पैसे से खरीद के लाते हैं पानी, उसका बिल भी आता होगा जो पानी भैया, बिल आता है उसका। अच्छा, जिनको समाधान करना है जल मंत्री आतिशी, वो तो धरने पर बैठी हुई है इतने दिन से, फिर समाधान कैसे? भैया सरकार को कुछ ना कुछ इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, पानी सही जगह से पानी या जैसे भी जो भी व्यवस्था होती है पानी की,
कब तक दूसरी सरकार का खुद इनको सही कदम उठाने पड़ेंगे, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से बनानी पड़ेगी जिससे कि पब्लिक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वो तो कहीं जा ही नहीं रही हैं, वो तो बैठी हुई हैं अपने जंगपुरा में, वहाँ बोगल में अपना वो पूरा टेंट वेंट लगा के। या वो उनका ठीक है, वो अपने जो सरकार मजे में पब्लिक सजा में, ये नहीं होना चाहिए भाई बिल्कुल भी। बिल्कुल सिस्टम ऐसा हो कि पानी बिल्कुल बढ़िया है यहाँ पे, कई सालों से पब्लिक परेशान है, अब जिससे भी पूछोगे पानी की वो समस्या बताएगा बताएगा आपको। लेकिन 10 साल से तो दिल्ली ने बहुत साथ दिया आम आदमी पार्टी का विधानसभा। भाई साहब वो बात सही है आपकी, पर अभी जो समस्या चल रही है वो तो सरकार कम से कम सॉल्व करेगी। लेकिन वो तो धरने पर बैठे हैं अब जी, देखो जी सरकार है आपस में क्या करती है, नहीं तो चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है फिर पब्लिक दिखाएगी बिल्कुल। आपका साफ है बिल्कुल मामला, जो जनता ने साथ दिया था बिल्कुल साफ है आपका, बिल्कुल जैसे आपका साफ हुई है लोकसभा में, अब क्या विधानसभा में साफ है बिल्कुल, विधानसभा से बिल्कुल साफ है अब क्या, अगर इसका नहीं निकाला तो इसने नहीं निकाला। हाँ पानी तो एक मतलब ऐसा मतलब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता। देखो सर पानी जो यहाँ आता है ना उसे बाल्टी में भर लो और उसको पानी को बहाने के बाद उस बाल्टी को साफ करने के लिए जो खर्चा होता है ना हमारी जेब से होता है, मतलब पानी जो आता है बाल्टी में मिट्टी बैठ जाती है। हाँ उस वो बाल्टी या जो बर्तन है ना वो इतने खराब हो जाते हैं कि उसमें दोरा डाल के ना जब तक उसको डिटॉल वगैरह साफ ना करो बर्तन साफ नहीं होता। बर्तन उसको साफ करते हैं, इतनी हालत खराब है उसको साफ करते हैं जो सरकार की तरफ से पानी आ रहा है, जो पानी आ रहा है बिल्कुल, और जो सरकार की तरफ से पानी आ रहा है उसका बिल अलग से दे रहे हैं। देश भर में कह रहे फ्री बिजली फ्री पानी, फिर नहीं है भैया बहुत ज्यादा समस्या है मेरे तो सरकार ऐसा ही तो आता है, फ्री ऐसा ही तो आ रहा है, ऐसा ही तो आ रहा है, ये मतलब बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ, बहुत ज्यादा समस्या, सब जगह समस्या है। आप आपका क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? राजेश, यहीं के रहने वाले जी। आपके यहाँ भी है पानी की समस्या? पानी की समस्या है तो है, पानी की समस्या है। क्या पानी कैसा आता है यहाँ? पानी गंदा आता है, गंदा आता है जैसे सब बता रहे हैं, काला पीला। हाँ गंदे पानी, गंदा पानी आता है। तो फिर क्या आप पानी कैसे जीवन व्यापन कैसे करते हैं आप? मोल लेते हैं बाल पानी थोड़ा। तो आप भी खरीदते हैं पानी? सबको पानी यहाँ खरीद करके ही चाहिए, खरीद के पीना पड़ता है, दो बोतल पानी सुबह खरीदता है, दो बोतल शाम को, दो बोतल सुबह खरीदते हैं, दो बोतल शाम को खरीदते हैं जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। दिनेश जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल यहीं का रहने वाला हूँ। आप बताइए कैसा क्या पानी का यहाँ क्या चल रहा है? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पहले यहाँ गंगा वाटर आता था मध्य गंगा का, इन्होंने वो डाइवर्ट कर दिया पानी, अब बिल्कुल कभी तो जैसे उस पानी में गटर का पानी मिक्स आता है, ये लगा लो पानी पीने योग्य नहीं है, बाहर का खरीद के पीते हैं, नहाने के इवन नहाने तक के लिए पानी बाहर का लेना पड़ता है, मतलब बाहर से ही खरीद करके ही पानी से। अभी आप सुबह सुबह शाम आओ रिक्शे में बोतल वाले आएंगे, बोतल बिक के जाते हैं। अच्छा, वो 20-20 लीटर वाले? हाँ जी वही 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 बोतल चलते हैं जी सबके, उसका बिल अलग से भर रहे हैं। हाँ बिल वो तो जाता ही है वो तो, और मीटर का मंथली बिल आता है, मंथली बिल आ रहा है। हाँ। तो फ्री बिजली पानी कह रहे थे ये तो, फ्री बिजली एक बात हो, इतनी गर्मी में आदमी एसी नहीं चलाएगा, 200 यूनिट से ऊपर ही आता है, उसका डबल चार्ज हो जाता है, वो डबल हो जाता है। हाँ जी, और फ्री पानी भी नहीं है, फ्री पानी बिजली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं। जल मंत्री तो बैठी हुई है धरने पर, वो तो ये आम आदमी पार्टी में जल मंत्री चेंज होते रहते हैं जल्दी जल्दी, जो स्कीम बनाते हैं वो लागू ही नहीं होती, लागू नहीं होती। अब जैसे उनको समाधान करना है वो तो धरने पर बैठी हुई है वहाँ जंग, तो वो इसलिए धरने पर बैठेंगी ना कि पब्लिक को ये लगे कि हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमारी नहीं लड़ रहे, अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। जनता तो सवाल पूछ रही है समाधान करो हमारा, समाधान जनता अब उनके वो करें क्या, वो घुमा रहे हैं लोगों को कि जी हमारा पानी वहाँ से रोक दिया, वहाँ से रोक दिया, वहाँ से रोक दिया, बताओ कौन सा स्टेट किसका पानी रोक देगा? गर्मी पड़ रही है आज की डेट में, हर जगह वाटर लेवल कम हुआ है, और ये दिल्ली की हर साल की समस्या आज की नहीं है, कुछ नहीं करते, कोई समाधान नहीं, बस बातों को डाइवर्ट करते हैं कि दूसरी पार्टी ने कर दिया उसने कर दिया, जबकि अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, प्रॉब्लम ये है। सर क्या नाम हुआ आपका? विवेक। कब से है दुकान आपकी यहाँ? मेरी दुकान 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अभी जो पानी की समस्या पूरे दिल्ली में देखने को मिल रही है, इसी इलाके में भी क्या प्रभावित है ये इलाका? बिल्कुल प्रभावित है, यहाँ पे भी पानी, बिल्कुल पानी की दिक्कत है, पानी साफ नहीं आता, टाइम पर नहीं आता। तो अभी कैसे जो है पानी कहाँ से इस्तेमाल? पानी हमें ज़्यादातर खरीद के पीना पड़ रहा है। खरीद के पानी पी रहे हैं आप? हाँ जी। जो कैनी 20 लीटर की कैनी आती है? हाँ जी हाँ जी, नहीं तो पहले जो आता था उसमें भी हमें आरओ लगाना पड़ता है, आरओ लगाना पड़ रहा है, अब भी आरओ यूज़ होता है। और नहाने के लिए कौन सा पानी? नहाने के लिए जो मिल जाए, जो मिल जाए। ये स्थिति चल रही है अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। हाँ जी।
आइए और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, वो क्या कहते हैं। सर आपका क्या नाम? दीपक। दीपक जी, अरे बैडमिंटन क्यों छुपा लिया? अच्छी बात है, बैडमिंटन खेलना चाहिए सबको। एक मैसेज भी जाता है कि स्पोर्ट्स तो देखिए लाइफ में एक ना एक कोई होना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। कोई भी स्पोर्ट्स हो, एक स्पोर्ट्स होना चाहिए। बिल्कुल जी, मानते हैं आप इस बात? हाँ जी। अच्छा अब ये बताइए कि यहाँ पर भी जो पानी की समस्या पूरी दिल्ली में हम देख रहे हैं, क्या ये इलाका भी प्रभावित है? हाँ जी सर, मैं 8 या 10 साल से पानी ना खरीद के पी रहा हूँ। 10 साल से पानी खरीद? हाँ जी, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। 10 साल से, 10 साल से खरीद के पानी पी रहे हम लोग। नहाने वाला पानी? नहाने वाला वो ये बोरिंग का नहा लेते हैं उससे, और पीने वाला हम खरीद के पीते हैं। बिल्कुल, अभी जो स्थिति बनी हुई है पूरी दिल्ली में हम देख रहे हैं, टैंकर और ये वो सब, यहाँ पर भी टैंकर तो कोई आता ही नहीं है। टैंकर नहीं आता सर, बिल्कुल नहीं आता, कोई टैंकर वैंकर कुछ नहीं आता। बाकी हम खरीद के पानी पीते हैं। टैंकर की सुविधा यहाँ पर? बोरिंग का ही पानी होता है बस जी सर, इसीलिए जो है पानी। हाँ जी, हम खरीद के पी रहे हैं सर। बाकी जो ऐसे सरकार की तरफ से जो कहा जाता है पानी दिया जाएगा, सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं। ला रहा पानी? बिल मेरे ख्याल से बिल तो कुछ आता नहीं, जब पानी नहीं आता तो बिल क्या आएगा। बिल आ जाए, बिल आ रहे हैं, बिल ऐसे ही होता है जी। ये समस्या है जी। अंकल जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा ठाकुरदास नाम है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो यहाँ है पानी की समस्या? नहीं, पानी समस्या है लेकिन मेरे घर में पानी नहीं। सर आपके यहाँ पानी नहीं है? नहीं, आता ही नहीं है पानी। आता है तो मोल का पीते हम तो, वैसे फिल्टर का पानी बाजार का पीते हैं। वही जो सब मेरे को बता रहे हैं कि खरीद करके पानी ले रहे हैं। बिल आ रहा है लेकिन? नहीं, बिल ना, हमारे यहाँ कनेक्शन नहीं। आपके यहाँ कनेक्शन नहीं? वैसे जो बाकी है बिल आ रहा है लेकिन पानी बिल्कुल? हाँ, लोग जो कह रहे हैं कि बिल आ रहे हैं लेकिन हमारे पास ऐसी समस्या नहीं। क्या लगता है ये समस्या का समाधान होना चाहिए? हाँ, समस्या समाधान तो नहीं सबके लिए, वो तो किससे उम्मीदें हैं, कौन करेगा समाधान? जो भी सरकार होगी वही करेगी। और सरकार की जो मंत्री हैं, जल मंत्री, वो तो खुद अनशन पर बैठ गई। हाँ, तो जो भी सरकार आएगी उसको वो करेगी समस्या, जेल करे जो भी करे समस्या तो हल करनी भी पड़ेगी ना इसकी। हाँ। उन्होंने तो डाल दिया कि हरियाणा नहीं दे रहा, हिमाचल नहीं दे रहा पानी, वो तो बैठ गया। नहीं तो ये तो सरकारी समस्या है ना, हरियाणा से मंगाओ या कहाँ से मंगाओ, पब्लिक को तो पानी चाहिए। हाँ। कहीं से मंगाओ? लेकिन वो तो बैठ गई हैं जंगपुरा में 3-4 दिन से अपना पूरा वहीं अनशन बैठ करके। चलो वो तो अनशन बैठ गई, पब्लिक थोड़ी अनशन में बैठ जाएगी इस तरह से। पब्लिक को तो काम, पब्लिक को काम चाहिए जी, पानी चाहिए और सारी सुविधा चाहिए।